हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि पेट में गैस होना और पेट फूलने की समस्या को दूर करने के लिए आप इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इलायची काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो कि कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल हैं। यदि हम पाचन संबंधी बीमारियों के बारे में बात करें तो ये हर तरीके के पाचन संबंधी बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी मददगार है। फ्रेंड्स, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। फ्रेंड्स, यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो आपको पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। गैस होने पर आपका जो पेट है वो फूलने लगता है, काफ़ी दर्द होता है, आपको काफ़ी परेशानी होती है, तो ऐसे में आप इलायची का सेवन कीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमेशा ये समस्या बनी रहती है तो आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में एक इलायची आप ले लीजिए, उसके 3 से 4 दाने आप खा लीजिए। रेगुलरली आप एक आदत बना लीजिए कि जब भी आपको खाना खाना है तो खाना खाने के बाद आपको 3 से 4 इलायची के जो दाने हैं उनका सेवन करना है। इससे आपको पेट में गैस जैसी समस्याएं नहीं होगी। इसके साथ ही जो भी आपने भोजन किया है उसका पाचन अच्छी तरीके से हो जाएगा। और भोजन करने के बाद कई लोगों को पेट में गैस होना या पेट फूलना जैसी समस्याएँ हो जाती हैं, तो अक्सर कर लोगों को ये समस्या बनी रहती है, तो उन लोगों को भोजन करने के बाद ही थोड़ा सी मात्रा में इलायची का सेवन करने से काफ़ी लाभ होगा। यदि फ्रेंड्स आपके पेट में गैस बनी हुई और पेट फूल रहा है तो थोड़ी से 2 से 4 दाने आप इलायची के पीस लीजिए और इसको पानी में घोलकर भी आप पी सकते हैं, या फिर 2 से 3 दाने आप चबाकर ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी आप पी लीजिए, इससे आपकी गैस निकल जाएगी और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वेल के उनको जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। और फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।